अरे हॅलो हॅलो जेठालाल, कमाल फोन कापला याने. काय झालं? ए सांगतो एक मिनिट. हॅलो. हाँ जेठालाल, मैं ये कह रहा था कि तुम चाचा जी की देखभाल करने का काम मुझे दे रहे हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना. बस बस बस, तो आजा भाई, आजा आजा आजा. हाँ लेकिन पूरी बात तो सुनो जेठालाल, चाचा जी की देखभाल करने का सौभाग्य मेरे नसीब में नहीं है. क्या? हाँ क्या है, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो ये तुम सौभाग्य पोपटलाल को दे दो ना. हाँ नहीं, वो उसका ख्याल मुझे आया, लेकिन वो क्या पूरी रात का जगा हुआ है ना, कल पूरी रात प्रेस में था, तो यहाँ आके फिर वो सो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना. हाँ तो फिर किसी और को बोल दो ना उनको देखने के लिए, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा चाचा जी को देखने के लिए. जेठालाल एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो. हाँ क्यों टाल रहे हैं आप? जेठालाल मैं दोबारा फोन करता हूँ, एक मिनट एक मिनट. ओके ठीक है. हाँ आज चल रहे तुझे माधवी. वाह चाचा जी, तकलीफ में और ना जाने के बहाने बना रहे हैं आप. पड़ोसी है हम लोग. माधवी मैं अपना पड़ोसी धर्म खूब समझता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो. तुला कळत नहीं है माधवी, चाचा जी को संभालने का काम है, ऊपर से आज उनको ठीक से दिख नहीं रहा है, वो सुनते नहीं है. मेरा मतलब है वो अपनी मनमानी करते, किसी की सुनते नहीं है. मैं रिस्क नहीं ले सकता, और भगवान न करे अगर उनको संभालते वक्त कुछ ऊंच-नीच हो गई तो मुझे सुनाने के लिए टप्पू भी और जेठालाल भी है. नहीं नहीं, उनको कोई और संभाले यही ठीक है. मैं अभी फोन करके जेठालाल को बोल देता हूँ. और हाँ तुम बीच में बोलना नहीं अभी, प्लीज प्लीज. हाँ हेलो, बोल. हाँ बोल. हाँ जेठालाल देखो भाई, बुरा मत मानना, तुम चाचा जी की देखभाल करने के लिए किसी और को बुलाओ ना, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा ना. अरे लेकिन अभी किसी और को किसको बुलाऊं भीड़े, सोसाइटी में सब बिजी रहते हैं, एक तू ही फ्री रहता है, इसलिए तो तुझे फोन किया. फ्री होता है मतलब? मैं फ्री नहीं बैठा हूँ जेठालाल, मुझे बहुत सारे काम होते हैं. सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के ट्यूशन होते हैं, और इन सब कामों से फुर्सत मिलने के बाद मुझे माधवी के आचरापट की डिलीवरी करने भी जाना पड़ता है. मैं फ्री नहीं बैठा हूँ यहाँ पे. हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे पता है भाई, तू बिल्कुल फ्री नहीं है. पता है मुझे, मतलब खाली एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा था, एक छोटा भाई होने के नाते. छोटा भाई? वो जेठालाल तुमसे बड़े हो. हाँ तो बड़ा भाई होने के नाते तुझे हुकुम देता हूँ, अभी के अभी इधर आ जा. अगर वो बिजी है तो रहने देना भाई, मैं रह लूंगा अकेला. नहीं नहीं, उसने बोल दिया बाबूजी वो आ रहा है इधर. मैंने कब बोला मैं आ रहा हूँ? एक मिनट बाबूजी. हाँ भीड़ बात करना चाहता है. हाँ ये हाँ बोल बिल्ली मास्टर. चाचा जी. हाँ बेटा बोल. बस मैं अभी जेठाल को यही बोल रहा था कि मैं अपने काम बाद में निपटा लूंगा, मैं अभी आ रहा हूँ आपके यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए. हाँ आ रहा है, आ रहा है ना. हाँ कैसी शक्ल बना के रखी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है और चिंता हो रही है मुझे. तो चिंता हो रही है तो जाना चाहिए ना उल्टा. अरे मुझे मेरी चिंता हो रही है. कुछ नहीं होता ऐसा, जाइए कहीं तेरे टेंशन के ताजा. अरे असल जाऊ का. नहीं नहीं बाबू जी, आँख में वैसे ठीक है ना, कुछ जलन वलन तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं. तू जा दुकान जा, भिंडी मास्टर अभी आता ही होगा. हाँ बस वही, भिड़े के आते ही मैं आपको उसे सौंप के फिर निकलता हूँ. सौंप के मतलब? मैं क्या कोई जरूरी कागजात हूँ? नहीं नहीं बापू जी, कागजात नहीं, लेकिन जरूरी तो है ना, और आपसे ज्यादा जरूरी मेरे जीवन में और कुछ नहीं है बापू जी. जेठालाल. अरे मेहता साहब भैया आइए बैठो. अरे चाचा जी ने आई मास्क क्यों लगा रखा है जेठालाल? वो अभी हाथी भाई आए थे तो वो पहना के गए. उन्होंने बोला कि इससे क्या है, आंखों में जलन थोड़ी कम होगी और आंखों को राहत मिलेगी. हाँ नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है. मैं हाँ जी. तू खड़ा है? जी हाँ खड़ा हूँ. अरे तो खड़ा क्यों है, बैठ जा. हाँ बैठे बैठे मतलब बैठे बैठे. आई बैठ गया चाचा जी, बैठ गया. हाँ जेठा चाचा जी ठीक है ना? हाँ ठीक है. मैंने बोला ना हाथी भाई अभी आए थे तो दोनों आंखों में दो दो टिपा उन्होंने वो ईयर ड्रॉप डाल दिया है. नहीं जेठल आंखों में अगर डाला होगा तो आई ड्रॉप होगा. सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आई ड्रॉप डाल दिया है तो उससे काफी थोड़ा आराम है बापूजी को. वो तुमने चश्मा बनवाने के लिए दे दिया ना चाचा जी को? नहीं वही मैं भीड़े की राह देख रहा हूँ, भीड़े को मैंने बुलाया है फोन करके, तो जैसे भीड़े आता है तो मैं बापूजी को मतलब बापूजी के पास उसको छोड़ के फिर मैं दुकान चला जाऊंगा, एक छोटी सी मीटिंग है वो पटा के फिर बापूजी का चश्मा लेके वापस आ जाऊंगा. पर जेठल तुम कमाल करते हो यार, तुमने भिड़े को बुलाया चाचा जी का ख्याल रखने के लिए, तो मुझे भी तो कह सकते थे भाई मैं आता हूँ, मैं ख्याल रख लेता, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता. नहीं नहीं मेहता साहब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, भिड़े है ना.
उसको वैसे भी कोई खास काम होता नहीं है, फ्री रहता है बेचारा। ऐसी बात नहीं है जेठालाल, उसे भी बहुत काम होते हैं भाई। अरे क्या काम होता है मेहता साहब, उसको सुबह उठ के वही सखाराम के साफ सफाई करता है, फिर वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता है, फिर अगर सोसाइटी का छोटा मोटा कोई काम रह गया हो तो फोन करके अब्दुल को याद दिलाता है कि भाई ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। उसके अलावा और क्या काम होता है उसको? अरे ऐसा नहीं है क्या, उसे और भी बहुत काम होते हैं। और काम में उसके पास एक ही काम है बापूजी, पूरे दिन में 10-15 बार अपने कॉलर को ऐसे पकड़ के मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी, बस ये बोलते रहना। और कोई काम नहीं है उसको। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने तो दरवाजे पर हाथ ही नहीं लगाया, खुला था तो मैं खुला ही तोड़ के आ गया। अच्छी भाई मेहता साहब, अच्छा हुआ आपने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, पता तो चला अपने ही लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अच्छी माती अमचिस मानस आय बोलना रहता। अरे काय बोलायचे गरज नाही भाऊ। अरे भिडे हे तो मेहता साहब एकदम देखिए मोशन में आ गया। मोशन में नहीं जेठल, इमोशन में आ गया। नहीं नहीं, वो भावनाओं में बह गया ना, तो बहना तो मोशन ही हुआ ना। ओ जेठलाल, मैं कोई भावनाओं में नहीं बहा हुआ। अरे बस भाई बस कर, अभी है नो टंकी। अरे भाई मुझे पता था कि तू पीछे खड़ा है, इसलिए जानबूझ के बोला। तो घड़ी गम्मा था मजा। अच्छा मेहता साहब, आप तो इसके परम मित्र हैं, इसकी रग रग से वाकिफ हैं। आप मुझे बताइए कि ये मजाक कर रहा था, सच सच बताइए। क्या करूं, सच बोलूंगा तो भी फंसूंगा, झूठ बोलूंगा तो भी फंसूंगा, इससे अच्छा तो ऑफिस ही चला जाता हूँ। अरे बताइए आप सोच क्या रहे? मैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये फोन 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 वाइब्रेट हुआ। हाँ पुनीता बोल। हाँ हाँ सुनीता बोलो। अरे नहीं नहीं, बॉस को बोलो निकल गया हूँ मैं, ऑन द वे हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, बस दो बस आ ही जाऊंगा मैं, बस आ गया, बस आ रहा हूँ। चाचा जी आपने सुना ना जेठालाल ने क्या बोला? हाँ सुना जेठिया, फिल्मी मास्टर से माफी मांग। बापूजी मैं सच में मजाक ही कर रहा था, मुझे पता था वहाँ खड़ा है, लेकिन चलो आपकी और भिड़े के दिल की तसल्ली के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। मुझे कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा अहम है कि नहीं कि मैं क्यों माफी मांग रहा, कुछ नहीं, मैं मांग लेता हूँ, उसमें क्या। सॉरी भिड़े, सॉरी। और भिड़े, अरे तू दोस्त है अपना यार, तू ऐसे बुरा मत लगा। हा? और बापू जी का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुक जा। नहीं, वो तो मैं रुकूंगा ही जेठालाल, तुम चिंता मत करो। हाँ मैं रुकूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते मैं यहाँ पे रुकूंगा और चाचा जी का ध्यान रखूंगा। वाह सुना बापू जी। हाँ तुम जाओ, दुकान जाओ। हाँ थैंक यू भिड़े, और सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो तो, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा था। फिर से मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था भाई। चलो बापू जी भिड़े आ गया है। अरे हाँ भाई धीरे बोलना भाई। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तू जा भाई दुकान जा, और दुकान जाके तेरा काम खत्म कर, और जल्दी से मेरा चश्मा बनवा के ला भाई। जी जी बापू जी जी। अच्छा भिड़े मैं जाने से पहले 2-3 जरूरी चीजें वो तुझे जरा समझा देता हूँ। ये वो आई ड्रॉप है, वो हाथी भाई ने दिए, तो इसको क्या है 2-2 घंटे में बापू जी के आँख में 2-2 टीपा दोनों आँख में डालना है। अभी 10-15 मिनट के पहले डाला था, तो अभी 1.25 घंटे के बाद जरा डाल देना। और ये एक दवाई दी आती भाई ने, तो ये अगर बापू जी के सर में दर्द हो तो ये दवाई उनको खिलानी है, वरना नहीं। ये रखता हूँ नहीं मेरे हाथ में। अच्छा और हाँ सबसे खास, ये बापू जी ने जो आंखों पे पट्टी पहनी है ना, वो भी हाथी भाई पहना के गए, वो इसलिए कि बापू जी की आंखों को जलन ना हो, उनकी आंखों को आराम मिले, इसके लिए। तो बहुत मतलब बहुत अगर कोई जरूरी कारण हो तो ही वो पट्टी आंखों से उतारना, वरना मत उतारना। मैं क्यों उतारूंगा भाई। हाँ लेकिन जेठालाल, अगर मेरे बस में होता ना
तो मुझे लेकर लोगों की आंखों पे जो गलत फहमी की पट्टी है ना, वो मैं जरूर उतारता। अरे दोस्त भिड़े, तू यार अभी भी नाराज है मुझसे दोस्त? अच्छे जेठिया, तू जाना भाई दुकान जाना। हाँ बस जा रहा हूँ बापू जी, जा रहा हूँ। चलो बापू जी, जय जिनेन्द्र। चलो जय महाराष्ट्र। जेठिया तुझे याद है ना, मेरा चश्मा चिमन लाल की दुकान से ही बनवाना। जी जी बापू जी। और हाँ, मेरे चश्मे के नंबर की पर्ची ली है ना? अरे ली की ली ली। हाँ 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 बापू जी हाँ। अभी ड्रावर से निकाल रहा है। भाग गया। जेठा भाई को अर्जेंटली दुकान जाना पड़ रहा है ना, इसलिए ये गए हैं चाचा जी की देखभाल करने। बेचारे चाचा जी को बिना चश्मे के कितनी दिक्कत हो रही होगी। नहीं वो मौका है। हेलो, कैसे आप लोग? जेठा भाई चाचा जी ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, खाली चश्मा नहीं होने की वजह से थोड़ा परेशान कर रहे, परेशान हो रहे। मुझे तो चाचा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे लग रहा है कोमल भाभी, कि मुझे बापू जी को ऐसी हालत में घर पे छोड़ के दुकान जाना पड़ रहा है, और बेचारे भीड़े को बापू जी का ध्यान रखना पड़ रहा है। सॉरी है माफी भाभी। अया सॉरी का ही था जेठ भाई, चाचा जी हम सबके चाचा जी है। वैसे मुझे चाचा जी के लिए बहुत चिंता हो रही है। नहीं नहीं अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है बबीता जी, अभी भीड़े तो ध्यान रख ही रहे बापू जी का, और शाम तक मैं उनका नया चश्मा बनवा के लेके आऊंगा, तो सब ठीक हो जाएगा। और जेठालाल चाचा जी कैसे हैं? हाँ ठीक है। तुम ये धोखा लग के क्यों घूम रहे हो? अरे भाई घूम नहीं रहा हूँ, पुराना वाला टूट गया था तो मार्केट गया था नया लेने। अरे आज के ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जमाने में तुम धोखे से कपड़े धोते हो? अरे भाई एक दो कपड़े होते हैं तो वॉशिंग मशीन में क्या डालने का? अरे तो 3-4 दिन का कपड़ा इकट्ठा हो तभी वॉशिंग मशीन में डालने का। भाई मुझे रोज के कपड़े रोज धोने की आदत। तुम रोज कपड़ा धोते हो? हाँ, और क्या शादी नहीं हुई है ना, मेरे घर में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, घर के सारे काम अकेले ही करता हूँ। नहीं नहीं मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ भाई, जब से दया अहमदाबाद गई है तब से मेरी भी समझ में आ गया कि बिना पत्नी के घर चलाना मतलब मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। वैसे मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि दया भाभी भी जल्दी आ जाए और पोपट भाई की पत्नी भी जल्दी गोकुलधाम में आ जाए। बराबर। थैंक यू बहनों। जेठालाल एक बात बताओ, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ भाई, एक जरूरी काम से दुकान जाना पड़ रहा है। ऐसी हालत में चाचा जी को छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? पोपट भाई जाऊ देता ना, ये है ना चाचा जी की देखभाल करने के लिए घर पे। अच्छा अच्छा भिड़ा है वहाँ पर? हाँ भिड़े है। वाह मैं क्या कर रहा हूँ पोपट लाल, अगर तुम्हें कोई खास काम ना हो तो तुम भी जरा बापू जी का ध्यान रखने में भिड़े का हाथ बटाओ ना। एक से भले दो। हाँ हाँ भाई तुम इत्मीनान से जाओ, मैं थोड़ी देर में अभी तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। अरे थैंक यू पोपट लाल, थैंक यू। चलो ओके मैं चलता हूँ। ओके भिड़े चलो मैं भी चलता हूँ। आइए साहब आइए। अरे वाह थैंक यू। चलो MG रोड ले लो। साहब आज आप हमारे पहले ग्राहक हैं। ग्राहक भगवान की तरह होता है, इतनी जल्दी मुझे पहला ग्राहक मिल गया, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे नहीं भाई किस्मत तो मेरी खुल गई, इतनी जल्दी रिक्शा मिल गई, वरना यहाँ इतनी जल्दी रिक्शा मिलते नहीं है। चलो हाँ हाँ साहब चलते हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, बोनी कर रहा हूँ, थोड़ा पूजा कर लेता हूँ फिर चलता हूँ। क्या है सुबह सुबह की बात है, पूजा करके चलता हूँ, नहीं तो अगर दुर्घटना हो गई एक्सीडेंट हो गया हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है साहब। ठीक है करो जल्दी करो, जरा थोड़ा कर लो पूजा। भैया थोड़ी जल्दी चलाना रिक्शा, में थोड़ा जल्दी बैठूंगा। साहब आपने वो बात तो सुनी होगी ना, दुर्घटना से देर भली, आप बाल बच्चे वाले दिखते हो, हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है। हाँ बोल बागा। एक मिनट चालू रख। क्या हुआ भाई रिक्शा क्यों रोक दी? साहब आप बात कर लो फिर अपन चलते। क्यों? चलती गाड़ी में फोन पे बात करना गैर कानूनी है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, हमें आपकी चिंता है।
हमारी नहीं। अरे भाई वो तो चालक के लिए मना है, सवारे के लिए मना थोड़ी है। तुम चलो चलो चलो। अरे जब आप बात करोगे तो हमारा भी ध्यान आपके ऊपर लग जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है। आप बात कर लीजिए फिर चलते हैं। हाँ बोल बोल बाका। सीट जी आप निकले कि नहीं? अब मैं बस निकल गया हूँ, रिक्शा में हूँ। लेकिन क्या मैं पहले वो बापू जी का चश्मा है ना, वो चश्मे की दुकान में बनवाने देने जा रहा हूँ, वहाँ से दुकान आऊंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा सीट जी। वो मेरे आने से पहले वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाले आ गए, तो उनकी जरा अच्छे से खातिरदारी करना भाई, उनके लिए चाय पानी नाश्ता बढ़िया से मंगवा लेना। सीट जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ ठीक है, आता आता। चलो भाई हो गई बात, चलिए चलिए चलिए। अरे इतनी धीरे धीरे रिक्शा चलाएगा तो मैं कब चश्मे की दुकान पहुंचूंगा और कब बापूजी का चश्मा बनवाने दूंगा। सॉरी सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, सॉरी। भिंडी मास्टर। ए भिंडी मास्टर, इधर ही हो चाचा जी, इधर ही हो चाचा जी। अरे तो जवाब तो दे भाई। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा तू कभी बिना चश्मे के रहता है? हाँ रोज रहता हूँ, जब रात को सोता हूँ। सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं आपका मूड ठीक करने के लिए से बोल रहा। अरे भाई मेरा मूड तो तब ठीक होगा जब मेरा चश्मा बन के आ जाए। शांति आ जाएगा, आ जाएगा। चाचा जी अभी बैठते हैं ना, बहुत देर हो गई चल रहे हम लोग। अरे भाई बैठ बैठ के थक गया मैं भिंडी मास्टर। अच्छा अटन कीजिए भिंडी मास्टर, बैल बाजी। हाँ हाँ सुनी मैंने। तो तू यार रुक, मैं दरवाजा खोल के आता। अरे नहीं आप क्यों जा रहे, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं जाके खोलता हूँ ना दरवाजा। हाँ तो खोल ले। हाँ तो जा ही रहा हूँ, आप बैठिए इधर बैठिए, ये कुर्सी है यहाँ बैठिए। आप प्लीज हिलना नहीं। हाँ क्यों हिलूंगा मैं, खाली बोल रहा। पोपटलाल तुम? चाचा जी की देखभाल करने आया हूँ। अरे पोपटलाल थैंक यू भाई, थैंक यू। एक से बोले दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है आ जाओ आ जाओ। निकम निकम आओ अंदर ही चाचा जी आओ। दोस्तों वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुजुर्गों की सेवा का अवसर मिलता है, भाग्यशाली होते हैं वो लोग, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। इतना कमाल होता है कि आपका जीवन धन्य हो जाता है अगर आप उनका आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि बुजुर्गों की सेवा कीजिए, जब भी अवसर मिले उनके साथ समय बिताइए, उनका आशीर्वाद पाइए और बुजुर्गों की लाठी बनिए, बुजुर्गों की आंखों का चश्मा बनिए। और शायद यही सोचकर पोपटलाल आए हैं चंपक चाचा के घर उनका ध्यान रखने के लिए। भीड़ के साथ साथ पोपटलाल भी ध्यान रखेंगे, अतरंगे चाचा जी का ध्यान रखने के लिए अब दो दो लोग हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जेठालाल गए हैं चाचा जी का चश्मा बनवाने के लिए, और अब ये चश्मा बनता है या बनवा पाते हैं या नहीं बनवा पाते, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कहानी का अगला मोड़ इसी चश्मे पर निर्भर करता है। अब क्या है ये आप खुद जान जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
चाचा जी देखो तो कौन आया है। अरे वाह, कौन आया है? सॉरी वही जिसकी शादी के लड्डू खाने के लिए हम सब कब से तरस रहे हैं। ओ, आ बेटा। अरे चाचा जी आपने ये आई मास्क क्यों पहना है और उस पर कूल ड्यूड भी लिखा हुआ है, क्या बात है। वो हाथी भाई ने पहना है, वो बोला है कि इससे आंखों को आराम मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे पोपट बेटा कैसे आना हुआ? वो जेठालाल नीचे मिला था तो उसने कहा कि बापूजी घर पे हैं तो तुम जरा चले जाना वहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए, तो मैं आ गया। चल अच्छा, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? चाय बना दूं मैं आपके लिए? बोलो, मेरे घर में आके मुझे ही चाय के लिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, दरअसल क्या है ना, मैंने भी चाय नहीं पी है तो सोचा सबके लिए चाय बना देता हूँ। बेटा तू चाय पिएगा? पोपट बेटा हम तीनों के लिए चाय बना लेते हैं। हां चलो, एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, मैं चाचा जी के साथ कब से बैठा हूँ तो तुम इनके साथ बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। हाँ ठीक है। भिड़ा सुन, चाय में है ना दूध थोड़ा ज्यादा डालना, और सुन चाय पत्ती भी ज्यादा ही डालना, और तुझे तो पता है ना कि मुझे चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा लगती है, तो तू चाय बनने के बाद तेरी और चाचा जी की चाय पहले निकाल लेना, फिर मेरी चाय में थोड़ी ज्यादा शक्कर डाल देना। और सुन, चाय को अच्छे से उबालना भाई, देख उबली हुई चाय अच्छी लगती है, उबालने में आलस मत करना। जरा एक मिनट जगह देना। क्या हुआ भाई, बैठ क्यों गए? तुम जाके चाय बनाओ। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि अच्छी चाय कैसे बनती है, तुम तो बुरा बन गए। तो ऑब्वियसली ना पोपटलाल, तुम कितने इंस्ट्रक्शन दे रहे हो भाई, इससे अच्छा है कि तुम ही चाय बनाओ ना। और वैसे भी तुम तो रोज चाय बनाते हो, मैं तो कभी कभी बनाता हूँ, मैं शादी शुदा हूँ ना। देखिए ना चाचा जी कैसे बोल रहा। अरे भाई बराबर तो बोल रहा है, तू ही चाय बना लेना। जाओ जाओ ठीक है। अरे पोपटलाल जितने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना बिल्कुल वैसी चाय बनाना। सॉरी 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 चाचा जी, मुझे दिखा नहीं। अरे तुझे क्यों नहीं दिख रहा है, तूने भी चश्मा नहीं पहना? नहीं नहीं, मैंने तो चश्मा पहना है। तो फिर मैं चाय बना के लाता हूँ। आप ठीक है चाचा जी? ठीक है अभी क्या। शक्कर ये रही, चाय पत्ती, इसमें तो चाय पत्ती है ही नहीं, दूसरा पैकेट रखा होगा। चाय पत्ती का दूसरा पैकेट कहीं नजर ही नहीं आ रहा। चाचा जी से पूछता हूँ। अरे चाचा जी निकला क्यों? ए भाई कब से पहन के रखा था मैंने, तो अभी थोड़ी देर निकाल देता हूँ, मैं चाय पीने के बाद पहन लूंगा वापस। चाचा जी? हाँ चाचा जी, चाय पत्ती खत्म हो गई है। चिट्ठा भी ना, इससे कितनी बार बोला है कि डिब्बे में कोई चीज खत्म होने आई हो तो डिब्बा तुरंत भर देना चाहिए। से चाचा जी एक बात कहूं, कि जेठालाल लापरवाह तो है यार। पता है मुझे, लेकिन चाचा जी अभी उसकी लापरवाही की वजह से आप चाय नहीं पी पाएंगे ना। क्यों नहीं पी पाऊंगा? किचन में चाय पत्ती का दूसरा पैकेट होगा, मैं अभी देख के आता हूं। मतलब किचन में दूसरा पैकेट होगा, देखो। चाचा जी मैंने किचन में हर जगह देखा लेकिन नया पैकेट कहीं नजर नहीं आया। तो जेठिया को फोन करके पूछ लो कहाँ रखा है। छोड़िए ना चाचा जी, मैं अभी अब्दुल को फोन करके नया पैकेट मंगवा लेता हूँ। अरे उसकी भी कोई जरूरत नहीं पोपटलाल, मैं माधवी को फोन कर देता हूँ, वो तीनों के लिए मस्त है मसाले वाली चाय लेकर आएगी। अरे नहीं नहीं बिल्ली मस्ता नहीं, माधवी बेटी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से सबको परेशानी हो, वैसे भी तुम दोनों परेशान हो। चाचा जी इसमें परेशानी का, दो मिनट का तो काम है। अरे भाई बिल्ली मास्टर, बात दो मिनट या दो घंटे की नहीं है, जब घर में चाय पत्ती पड़ी है तो बाहर से क्यों मंगवानी? अरे मैंने बोला उतना करना भाई, तू जेठिया को फोन लग। हाँ। और फोन स्पीकर पे रख, क्योंकि वो चाय पत्ती कहाँ रखी हो जेठिया बताएगा, वो जगह तुम लोगों को समझ में ना आए तो। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई थोड़ी तो रिक्शा फास्ट चला दोस्त, हमें अपनी नहीं साहब आपकी चिंता है। चला भाई चला, जैसे चलानी है चला। रोक ले भाई रिक्शा, रोक ले। हाँ भिड़े बोल। हाँ जेठालाल अभी चाय पीनी है और पता चला है कि चाय पत्ती खत्म है, तो चाय पत्ती का नया पैकेट तुमने कहाँ रखा है? भिड़े बापूजी तेरे आसपास है क्या? उसे बोलना मत भैया। हेलो हेलो, तू अचानक चुप क्यों हो गया? बापूजी पास में है।
नहीं, पास में थे लेकिन अब मैं दूर आ गया हूँ। अरे भाई, तुम लोग उधर बापूजी की देखभाल करने गए हो कि चाय की जयफत उड़ाने गए हो? आए थे? अरे तुम घर से चाय पी के नहीं आया? जेठालाल, मैं चाय पी के आया हूँ, चाचा जी को चाय पीनी है। ओ, बापूजी को चाय पीनी है? हाँ, तो अभी बताओगे कि चाय पत्ती का नया पैकेट कहाँ रखा है? अरे भाई, चाय पत्ती खलास हो गई है, बापूजी ने मुझे बोला था नया पैकेट लाने के लिए लेकिन मैं भूल गया हूँ। तो अभी? अभी सबसे पहले तो बापूजी को बताना मत कि चाय पत्ती लाना मैं भूल गया हूँ। और तो पोपटलाल को अब्दुल की दुकान पे भेज के चाय पत्ती मंगा के चाय बना के बापूजी को पिला दे, ठीक है? जेठालाल, चाचा जी। क्या चाचा जी? क्या चाचा जी को जब पता चलेगा कि पोपटलाल नहीं है तो वो पूछेंगे नहीं कि पोपटलाल कहाँ गए? नहीं 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 पूछेंगे भाई। तो क्यों? अरे चश्मे के बगैर उनको ठीक से दिखाई नहीं देता ना, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि पोपटलाल गया है अब्दुल की दुकान पे। मान ले अगर उन्होंने पूछ लिया कि पोपटलाल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो बोल देना कि पोपटलाल जरा बाथरूम में गया है। जेठालाल, तुम एक शिक्षक से झूठ बुलवाओगे? नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है। ये झूठ नहीं तो और क्या है? पोपटलाल अब्दुल की दुकान जाएगा और मैं बोलूंगा कि पोपटलाल बाथरूम गए, तो ये तो सरासर झूठ हुआ ना। अरे भाई, जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वो झूठ झूठ नहीं होता भाई। अच्छा, इस झूठ से किसका भला हो रहा है भला? बापूजी का। एक छोटे से सात्विक झूठ की वजह से बापूजी को चाय पीने को मिल जाएगी ना भाई। बापूजी आप बड़ी, एक तो खुद झूठ बोलता है ऊपर से दूसरों को भी झूठ बोलना सिखाता है। नहीं, मैंने क्या झूठ बोलना सिखाया बापूजी? कब सुना मैंने? सुना? आपने कैसे सुना? मैं तो भिड़े से बात कर रहा था। अरे जेठालाल, फोन स्पीकर पे है, चाचा जी ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। सॉरी 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 बापूजी, वो मैं चाय पत्ती लाना भूल गया तो मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे इसलिए। अरे क्या हो क्या गया है तुझे चचिया? मेरा चश्मा बनवाना भूल गया, चाय पत्ती लाना भूल गया, कितना लापरवाह हो गया है तू। नहीं नहीं सॉरी सॉरी बापूजी, मैं अभी फटाफट चाय की पत्ती लेके आता हूँ और अपने हाथों से आपको कड़क मसाला चाय बना के पिलाता हूँ। मैं भी पीऊंगा जेठालाल। बेटे तू भी पिएगा ना? ये शांति रखना भाई, दो मिनट। अरे भाई जेठिया, तू चाय पत्ती लेके यहाँ आएगा तो मेरा चश्मा बनवाने कब जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा था बापूजी की पोपटलाल को अब्दुल की दुकान पे भेज के चाय पत्ती मंगा लीजिए, तो क्या दोनों काम हो जाएंगे ना? ठीक है, मैं पोपट को भेज के चाय पत्ती मंगवा लूंगा, लेकिन तू मेरा चश्मा जल्दी से बनवा के ला जेठिया, मुझे जल्द से जल्द चश्मा चाहिए अभी। आ जाएगा, आ जाएगा बापूजी, आज शाम तक आ जाएगा, पक्का पक्का आ जाएगा। ठीक है ठीक है, चल अभी रखता हूँ। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी सॉरी। चल भाई चल, हो गई भाई, चल चल चल। क्या हुआ, कुछ गिरा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे भाई साहब, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। क्या साहब, आजकल जिसे देखो ना जल्दी ही लगीर होती है। बुरा ना मानो तो साहब एक बात बोलूं? बोलो। क्या है ना, जो लोग जल्दी जल्दी करते हैं ना वो जिंदगी जीने के मजे नहीं ले पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी में जिंदगी कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। आजकल जितने रिक्शा वाले मिलते हैं ऐसा लगता है सीधा हिमालय से आत्मज्ञान प्राप्त करके मुंबई की गोद में रिक्शा चलाने लगे। हाँ सेठ जी, अरे मैं चमनलाल ऑप्टिशियन के बाहर ही खड़ा, लेकिन आज कोई ग्राहक आए नहीं है जैसे बेवकूफ बना के आपके पास लेके आ सकूं। जैसे ही कोई ग्राहक आता है मैं बेवकूफ बना के आपके पास लेके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बस बस बस, अरे भाई साहब, ये चमनलाल ऑप्टिशियन कहाँ है बता सकते? गया, आज का ग्राहक मिल गया, वो उस तरफ है आगे। अच्छा, थैंक यू। एक मिनट भाई साहब, आप चश्मा बनवाने जा रहे हैं? जी। गलत जगह जा रहे हैं आप, लुट जाएंगे। क्या मतलब? काम भी टाइम पे नहीं होगा और पैसे भी बहुत लेगा। अच्छा। अरे भाई, मैंने चश्मा बनवाने दिया था, मुझे बोला 4 घंटे में मिल जाएगा, आज 4 दिन हो गए हैं अभी तक चश्मा मिला नहीं है मेरा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
और ऊपर से 3000 रुपए ले लिए वो अलग। एक चश्मे का 3000? हाँ कमाल है। बापू जी तो कह रहे थे चिमनलाल ऑप्टिशियन से ही चश्मा बनवाना, और ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि चिमनलाल बहुत टाइम लेता है, क्या करूं? भाई साहब ज्यादा सोचिए मत, मेरी बात मानिए, चश्मा महल यहाँ बिल्कुल पास में है, जो 4 घंटे में चश्मा बना के दे देगा आपको और मात्र 2000 रुपए लेगा। अरे साहब मैंने चिमनलाल से परेशान होकर चश्मा महल में चश्मा बनवाने दिया था और 4 घंटे में मेरा चश्मा भी गया, ये देखो। क्या करूं, चश्मा महल में बापूजी का चश्मा बनवाने दे दूं, लेकिन उन्होंने तो चिमनलाल में ही चश्मा बनवाने को बोला है, अगर वहाँ नहीं दिया तो गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं चिमनलाल में ही दे देता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ चश्मा महल ऑप्टिशियन कहाँ पर है, आइए। नहीं नहीं ठीक है। अरे अरे रुकिए तो, चिमनलाल जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे बापूजी का चश्मा टूट गया है, तो एक जैसे दो बनवाने, ये उनके नंबर की पर्ची है। आप फ्रेम लाए हैं? नहीं फ्रेम तो वो वाला दिखा ना, ये देख। वो जो ऊपर है वो वाला, हाँ ये देख। हाँ ये ऐसे दो बनवाने, ठीक ठीक है बन जाएंगे, लेकिन एक चश्मे के 2500 रुपए लगेंगे। 2500 ज्यादा नहीं है? अरे भाई साहब हमारे यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चश्मे बनते हैं, एक नंबर की क्वालिटी मिलेगी आपको। ठीक है बनवा दीजिए। ठीक है आप कल इसी वक्त आइए और अपने दोनों चश्मे लेकर जाइए। नहीं नहीं भाई कल नहीं, आज आज चाहिए। क्या बापू जी के पास वैसे तो 2 चश्मे थे लेकिन दोनों टूट गए, अभी उनके पास एक भी चश्मा नहीं, और बिना चश्मे के तो आप समझ सकते हैं बुजुर्ग आदमी को कितनी तकलीफ होती है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों आज मत दीजिए, एक आज दे दीजिए एक कल दे देना। ठीक है एक चश्मा मैं आपको आज बनवा देता हूँ। तो 4:30-5 बजे तक हो जाएगा ना? नहीं नहीं 4:30-5 नहीं, आप 9:30 के बीच में आइए, तब तक हो जाएगा। अरे बाप रे रात को तो बहुत लेट हो जाएगा भाई, क्या बापू जी बेचारे बहुत तकलीफ में है, कुछ देखो ना शाम तक हो जाए, ऐसा शाम तक कर दो। देखिए भाई साहब अगर हो सकता तो मैं आपको रात का क्यों बोलता। मैं क्या कहता हूँ, चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज ले लो लेकिन शाम तक कर दो। 400 एक्स्ट्रा लगेगा ही, जो चश्मा मैं आपको आज रात को दे रहा हूँ ना उसके 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे ही। अरे ये क्या बात हुई भाई साहब, आप चार्ज भी एक्स्ट्रा ले रहे हो चश्मा भी लेट दे रहे हो, अरे दूसरे लोग तो चश्मा भी जल्दी दे रहे और उनका चार्ज भी कम है। कौन? वो चश्मा महल वाले 4 घंटे में चश्मा बना के दे रहे और उनका भाव भी सिर्फ 2000 रुपया है। ठीक है भाई साहब फिर आप वहीं से बनवा लीजिए। ये बात करने का तरीका नहीं है भाई साहब। क्या तरीका नहीं है? नहीं बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। मैंने क्या गलत बात की, आप ही ने कहा ना कि चश्मा महल वाले 4 घंटे में दे देते हैं और 2000 रुपए लेते हैं, तो मैंने कहा कि आप वहाँ से बनवा लीजिए, एक बार वहाँ जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो कितने फ्रॉड हैं। 4 घंटे तो क्या, अगर 4 दिन में भी आपको चश्मा दे देना तो अपना नसीब समझना। अरे 4-4 दिन तक तो आप नहीं देते लोगों को चश्मा। भाई साहब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहे हुए समय पर चश्मा ना दिया हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक आदमी मिला था, उसने आपकी दुकान में चश्मा बनवाने दिया है, 4 दिन हो गए अभी तक आपने दिया नहीं उसको, और 2500 ले लिया वो अलग से। वो तो मुझे कितना मना कर रहा था कि चिमन लाल में मत दो चश्मा बनवाने, लेकिन मैंने उसकी बात मानी नहीं और इधर आ गया, और आप मुझे कह रहे कि नहीं जाओ चश्मा महल में जाकर चश्मा बना लो। तो भाई साहब मैं आपको क्या कहूँ, आप तो समझने को तैयार ही नहीं हो। मैंने आपको बड़े प्यार से बड़े शांति से समझाया कि अगर आज आप चश्मा लेंगे तो आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप कल लेंगे तो आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया आप बताइए ना। देखो भाई साहब मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अगर आपको चश्मा बनवाना है तो बनवाइए, नहीं तो निकलिए। निकलिए? देखिए भाई साहब मैं भी एक व्यापारी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का मालिक हूँ, लेकिन मैं कभी अपने कस्टमर के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करता हूँ कि लेना है तो लीजिए वरना निकलिए। अरे इतनी क्या होशियारी है आपको, खाली 1-2 घंटे में चश्मा जल्दी मांग रहा हूँ, उसमें तो बनवाना है तो बनवाइए वरना निकलिए। अरे मत मारी गई मेरी, जो मैं चश्मा महल छोड़ के यहाँ आपके पास आया चश्मा बनवाने, अभी तो मैं जिंदगी में कभी यहाँ से चश्मा नहीं बनवाऊंगा। चश्मा महल जिंदाबाद। जाओ बेटा बनवा लो चश्मा महल से चश्मा, रोते हुए मेरे पास आओगे। अरे क्या बताऊं, वो अपने जाल में फंसी गया था,
लास्ट मिनट में हाथ से निकल गया। मुरली अगर इस तरह से तेरे हाथ से कस्टमर निकलते रहे ना तो एक दिन हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे। बिल्कुल काम में ध्यान नहीं लगता है तेरा आजकल। मुरली का काम एकदम एवन होता है, वो देखिए सामने। ये वही ग्राहक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सीधा अपनी दुकान की तरफ चला आ रहा है। अरे तो खड़ा क्यों है, जाकर चुप जा जा जा। आइए आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चश्मा बनवाना है। नया बनवाना है या पुराना बनवाना है? पुराना नया बनवाना है। मतलब मेरे बापूजी का पुराना चश्मा था वो टूट गया है, तो वही सेम नंबर का नया बनवाना है। हाँ जी बन जाए। अगर मैं दो चश्मा एक साथ बनवाऊँ तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा? सॉरी, हम डिस्काउंट नहीं देते। क्यों? देखिए साहब, हम चश्मा बनाने का काम जो है ना वो समाज सेवा की तरह करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जीवन में आंखों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। ओहो, बहुत गहरी बात कह दी आपने तो भाई साहब। थैंक यू। इसलिए जितनी लागत लगती है हम उतने ही पैसे लेते हैं। ये लेकिन चश्मा बन के रेडी कब मिलेगा? चार घंटे में। चार घंटे में? हाँ चार घंटे में। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है ना, सब कंप्यूटराइज हो गया है, इसलिए चार घंटे में बन जाएगा। ठीक है ठीक। तो ये बापूजी के नंबर की पर्ची है, हाँ। है? बनवा दीजिए। हाँ। और फ्रेम? फ्रेम ये जो है ये? हाँ ठीक है, आप चार घंटे में आ जाइए। ओके। एक मिनट भाई साहब, एडवांस चाहिए। हाँ बोलिए, कितना दो? पूरा पूरा। वो क्या है भाई साहब, हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें से एक रुपया भी मुनाफा नहीं कमाते। कल आप ऑर्डर देके चश्मा लेने नहीं आए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। बराबर, सॉरी। ये लीजिए, तो चार घंटे बाद आता हूँ चश्मा लेने। ठीक है जी। देखा सेठ जी, मेरी फसाई मछली जाल में खुद फंस के आ गई, अब निकालो मेरा कमीशन। क्या बात है मुरली, तूने तो कमाल कर दिया। मुरली कमाल ही करता है हमेशा। अब इसके बापूजी का चश्मा तो कल ही मिलेगा, वो भी सस्ते कांच में। चलो आश, बापूजी के चश्मे चार घंटे में बनकर रेडी हो जाएंगे। ये खुशखबरी बापूजी को दे देता हूँ। वाह पोपट बेटा, चाय बहुत अच्छी थी। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या चाचा जी। नहीं, बराबर है, इतनी बढ़िया चाय तो मैं भी नहीं बना सकता था। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा था तुझे। एक फोन लाता हूँ। हेलो। हाँ बापू जी। हाँ बोल जी। बापू जी, खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। अरे वाह, तुझे वो बड़ा ऑर्डर मिल गया? नहीं, मैं तो अभी दुकान पहुंचा ही नहीं हूँ बापू जी। तो तू कहाँ है? वो मैं आपका चश्मा बनवाने चश्मे की दुकान पे गया था, तो खुशखबरी यही है कि आपका चश्मा चार घंटे में बन के आ जाएगा बापू जी। अरे वाह जेठिया, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी है। जी जी बापू जी, बस अभी चार घंटे की देर है बापू जी, चार घंटे बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा भाई सुन, आते वक्त जरा संभल के आना, तो रिक्शा बिक्शा में मेरे चश्मे कहीं भूल मत जाना। अरे नहीं बापू जी, रिक्शा में क्यों भूलूंगा मैं। अरे भाई आजकल तेरा भूलने का दौर चल रहा है ना, इसलिए। नहीं भूलूंगा बापू जी, नहीं भूलूंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, वो भिड़े और पोपट लाल आपका ठीक से ध्यान तो रख रहे हैं ना? हाँ हाँ एकदम, हमने अभी चाय भी बना के पी ली। वाह। अच्छा सुन जेठिया, अब तू जल्दी से दुकान जा और ऑर्डर मिलने की खुशखबरी भी जल्दी से दे। जी जी बापू जी, जी जी ओके। क्या हुआ चाचा जी, आप मुस्कुरा रहे हो? अरे जेठिया ने अभी बताया कि मेरा चश्मा चार घंटे में बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मित्रों, बड़ी पुरानी कहावत है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन जेठालाल एक कहावत भूल गया और मुरली की बातों में आके चमनलाल से झगड़ा कर बैठा। जेठालाल एक कहावत और भूल गया, गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और गुस्से में उसने निर्णय ले लिया और वो दूसरे ऑपरेशन के यहाँ चला गया चश्मा बनवाने के। जेठालाल एक तीसरी कहावत और भूल गया कि जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी में ऐसी जगह चश्मा बनवाने दे आया है जहाँ पे पता नहीं कि समय पे बनेगा या नहीं बनेगा।
अब मित्रों जेठालाल एक ही समय में तीन तीन कहावत एक साथ भूल जाए तो बवाल तो हो गई, और अब बिना चश्मे के चंपक चाचा का क्या हाल होता है ये आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है आगे। अब बवाल भी होगा, धमाल भी होगा, क्योंकि यहाँ इस कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ कहावतें भूलने की बात नहीं है। आप अपने गम उदासी सब भूल जाएंगे और हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ चाचा जी, आप मुस्कुरा रहे हो? अरे जेठिया ने अभी बताया कि मेरा चश्मा 4 घंटे में बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे ले, ये खबर पे से याद आया पोपट बेटा, आज सुबह से तो मैंने पेपर पढ़ा ही नहीं। वो क्या है ना कि रोज सुबह चाय पीने के बाद मुझे पेपर पढ़ने की आदत, आज पेपर नहीं पढ़ पाया हूँ तो थोड़ी बेचैनी से हो रही। अरे तो आप बेचैन क्यों हो रहे हो, हम है ना, आज हम आपको अखबार पढ़ के सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए वहाँ बैठते। आइए 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 आइए। हाँ मैं क्या है अरे पढ़ क्या हुआ, पढ़ क्यों ले रहा? चाचा जी ये अखबार गुजराती में है ना, और मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती है। भिड़े तू तो थोड़ी थोड़ी गुजराती बोलता है ना, तू पढ़। मुझे गुजराती बोलना आता है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता चाचा जी। ठीक है जाने, बैठा हूँ ऐसे ही बैठा हूँ। अरे चाचा जी मुझे मराठी पढ़ने आती है ना, मैं एक काम करता हूँ घर पे जाता हूँ मराठी अखबार लेके आता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और जो आपको नहीं समझेगा उसका हिंदी अनुवाद करके समझा दूंगा। अरे एक मिनट भाई, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे फोन में है ना न्यूज का ऐप है, उसमें से मैं खबर पढ़ के सुना देता हूँ चाचा जी को। सुनिए चाचा जी, प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। गड्ढे तो होते ही है लेकिन हर बार प्रशासन दावा करती है कि इस बार बारिश में बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा, लेकिन जरा सी बारिश हुई नहीं कि हर जगह पानी भरना शुरू। लोग फंस जाते हैं, उनकी गाड़ियां फंस जाती है। हाँ लेकिन उसमें सिर्फ प्रशासन का दोष नहीं है भाई, हमारा भी दोष है। हम यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं, वो कचरा जाके फिर नाले में जमा हो जाता है, और बारिश के वक्त वही नाले का पानी रास्ते पे आ जाता है तो पानी भरेगा ही ना। नहीं बराबर, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा जी। और सुना? बस चल रहा है। अरे भाई और कोई खबर सुना है? ऐसा बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ सॉरी, शहर में बढ़ गई है स्कूटर और बाइक की चोरियां, स्कूटर चोर गैंग से आम जनता परेशान, अपने घर पर स्कूटर पार्क करने से डरते हैं लोग। हाँ ये बात तो सही है, शहर में चोरियां काफी बढ़ गई है। भाई भिड़े तू अपने सखाराम का ख्याल रखना। ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल, यानी आज ही मैं ताला और चेन लेके आता हूँ और सखाराम को बांध के रखता हूँ। हाँ। सर का फोन, हेलो। यस सर। ओह अच्छा सर, अभी नहीं 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 सर, ओके सर। इतना क्या सर सर कर रहे थे? अरे भाई एडिटर साहब का फोन था, अभी के अभी मुझे ऑफिस बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुको पोपटलाल, चाचा जी को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे भाई जाना जरूरी है। इतना क्या जरूरी है? अरे भाई एक नेता की रैली चल रही थी, चलते चलते सड़क के किनारे बड़े से खड्डे में नेताजी गिर गए, मुझे कवर करने जाना। अरे पोपटलाल नेताजी ने खड्डे में गिर के ऑलरेडी खड्डे को कवर कर दिया है, तुम जाके और क्या कवर करोगे? ओ भाई ओ विनोद कुमार, मुझे खड्डा कवर करने नहीं जाना है, न्यूज कवर करने जाना है। नहीं गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं पोपट बेटा तू चिंता मत कर, तू जा काम पे जा। ये फिल्मी मास्टर यहाँ है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, शाम को कभी ना नहीं बोल जा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, चल भिड़े। अरे क्या चल पोपटलाल, मत जाओ ना। यहाँ मत जाओ भाई, जाना पड़ेगा वरना नौकरी चली जाएगी। अरे नहीं रुको, कहाँ ऐसे थोड़ी दो नौकरी चली जाती है, मेरा मतलब है जेठालाल आने के बाद हम लोग दोनों साथ में निकल जाएंगे ना। चाचा जी अकेले है घर में। अरे कहाँ अकेले, तुम हो पूरी सोसाइटी तुम्हारे साथ है। हाँ अरे भाई भिंडी मास्टर उसे जाने देना काम पे, उसे जरूरी काम है, तू जा पोपट बेटा जा। नहीं नहीं मैं इसलिए बोल रहा था चाचा जी कि एक से भले दो ना आपके लिए अच्छा है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के काम का नुकसान हो। पोपट बेटा तू जा, मेरा ध्यान रखने के लिए भिंडी मास्टर है, तू जा।
मगर चाचा जी एक काम मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तू जा, पोपट बेटा इसे भी साथ लेके जा। नहीं 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 चाचा जी, मैं रुकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ पोपट लाल। चले चाचा जी मैं चलता हूँ। बेटा ध्यान रखना चाचा जी का। हो हो झाल, मतलब अब चाचा जी को मुझे अकेला ही संभालना होगा, जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो जेठालाल मुझे सुनाएगा। ये बाप रे, आई मास्क पहना ही नहीं है। ओ चाचा जी बहुत देर हो गई आपने आई मास्क नहीं पहना है, इसे पहन के रखिए ना, नहीं तो आपकी आंखों को तकलीफ हो जाएगी। अरे नहीं नहीं भिंडी मास्टर, इसे पहनने से तकलीफ होती है मुझे, मुझे नहीं पहनना मास्क बाक। ये चाचा जी किसी की सुनते ही नहीं। क्या हुआ यार? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जेठालाल तुम जल्दी से चश्मा बनवा के आ जाओ ताकि मैं घर जाऊं। बागा आज क्या खाना खाया है जो हजम करने के लिए टहल रहा है? नहीं नटू काका, मैं खाना हजम करने के लिए टहल नहीं रहा हूँ, बात हजम करने के लिए टहल रहा हूँ। कौन सी बात हजम नहीं हो रही है? यही कि 12:30 बजने वाले हैं, लेकिन सेठ जी अभी तक दुकान नहीं आए। अगर वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाला कस्टमर आके चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेठ जी खुद सेठ जी है, उन्हें तुझसे ज्यादा दुकान की चिंता है। सेठ जी भी आते ही होंगे। लो सेठ जी आ गए। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। क्यों क्या हो गया? आपकी उम्र 100 साल की होगी, हम अभी आपको याद कर रहे थे और आप आ गए। क्यों मुझे क्यों याद कर रहे थे? मिलनी तो भागा याद कर रहा था। सेठ जी मुझे चिंता हो रही थी, वो पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली है और आप अभी तक पहुँचे नहीं। हाँ सेठ जी, नॉर्मली तो जब भी कोई पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली होती है तो आप समय से पहले आ जाते हैं और आज आपने देर लगा दी। हाँ देर से उठे। हाँ तेरी वजह से। मैंने क्या किया? तो क्या किया बड़ी? अरे तेरे सपने की वजह से रात भर सोया ही कौन है? सेठ जी इस बात के लिए पहले भी आप भागा को डांट चुके हैं। हाँ और बड़े सयाने भी कहकर गए हैं कि एक ही गलती की सजा आप 2 बार नहीं दे सकते, और मैं तो। अरे हाँ बस भाई ठीक है। अच्छा नटू काका वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाला आया नहीं अभी तक? नहीं वो अभी तक आए नहीं है, मगर उनकी खातिरदारी की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या तैयारी क्या हो चुकी है? यहाँ नहीं गोडाउन में। अरे ये क्या इतना सारा नाश्ता? सेठ जी हम लोगों में से किसी को पता नहीं है कि भगवान भरोसे हॉस्पिटल के मालिक कौन से प्रांत के हैं। इसलिए हमने नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सब जगह के खाने की आइटम मंगवा ली। अरे भाई मुंबई में सब लोग सब प्रांत का खाते हैं भाई, पर अगर ज्यादा मंगवाना था तो 2 अलग अलग वैरायटी मंगाते, इतना सारा मंगाने की क्या जरूरत है? इतना सारा कौन खाता है? सेठ जी आप नहीं खाते इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नहीं खाता। अभी भागा को बोलो खड़े खड़े सब खा जाएगा। नहीं भागा? ए भगवान। आ गया मैं बस में आ गया। नमस्ते आप? मैं भगवान भरोसे हॉस्पिटल का मालिक भगवान दास। अरे नमस्ते मैं जेठालाल गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। और ये है हमारी सेक्रेटरी लक्ष्मी। नमस्ते लक्ष्मी बहन। नमस्ते बेन। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए, सबसे पहले नाश्ता कीजिए, उसके बाद सब बातें करेंगे ठीक है? नहीं नहीं नाश्ता नहीं करना। नहीं आपको नाश्ता करना पड़ेगा, ये सब हमने खास आपके लिए मंगवाया है। हाँ। नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। अरे भगवान खुद थोड़ी उपवास रखते हैं। हाँ, उनके भक्त लोग उपवास रखते हैं, आपको खाना पड़ेगा। हाँ। नहीं नहीं सच में आज मेरा उपवास है, आज मैं नहीं खा पाऊंगा, सॉरी। तो लक्ष्मी बहन आप खाइए, आप तो खा ही सकते हैं ना। नहीं नहीं सॉरी मैं डाइट पे हूँ। अरे बाप रे, तो फिर अब ये सब कौन खाएगा? डोंट वरी बागा, ये सब मगन को बोल के पैक करवा देते हैं और भगवान दास जी को पार्सल दे देते हैं। आज उपवास है ना, कल तो खा ही सकते हैं ना।
नटो काका। जोकिंग 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 हाँ जोक जोक कर रहे। आइए भगवान भाई, हम लोग दुकान में चलते हैं। आपको आपके हॉस्पिटल के लिए जो टीवी चाहिए ना, उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ और कोटेशन भी दे देता हूँ। आइए। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने मार्केट में पता कर लिया है, आपके रेट मार्केट में सबसे कम है। लक्ष्मी ये लीजिए आपके एडवांस पेमेंट का चेक। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू। बस आप जल्द से जल्द 32 इंच के 50 एलईडी टीवी डिलीवरी करा दीजिएगा। अरे मैडम, दो दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप। और बोलिए। नहीं नहीं अब बस चलता हूँ। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, आपका उपवास है ना, तो मैं कुछ फराड़ी मंगा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो जूस जूस तो पी सकते ना उपवास में। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम। अरे ओके चलता हूँ, बाय बाय। ओके थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू लक्ष्मी बहन, थैंक यू। अरे चाचा जी, आपने मास्क निकल क्यों दिया, पहन के रखिए ना। अरे नहीं पहन रहे भाई, मुझे ये पहन पहन के थक गया। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। अरे क्या सो जाइए बिल्ली मास्टर, ये कोई सोने का टाइम है, नींद भी तो आनी चाहिए। ये जब तक मेरा चश्मा नहीं आएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। ए चाचा जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरा चश्मा पहन लीजिए। अरे भाई तेरा चश्मा मैं क्यों पहनूं। चाचा जी मेरा भी नंबर वाला ही चश्मा है। माना कि हम दोनों का नंबर अलग है, लेकिन आप पहनी तो सही, हो सकता है आपको ठीक लगे। देखिए कैसे कैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना, भी सब साफ दिख रहा है। क्या साफ दिख रहा है, कुछ अजीब अजीब दिख रहा है मुझे तेरे चश्मे में से। मुझे अभी जल्दी से मेरा चश्मा चाहिए, आंखों में जलन भी फिर से शुरू हो गई। ओ आपकी आंखों में जलन हो रही है, तो मैं अभी आई ड्रॉप डाल देता हूँ, वैसे भी टाइम हो गया ड्रॉप डालने का। आइए लेट जाइए। अरे लेटना नहीं है भाई, तू ऐसे बैठे बैठे डाल दे। अच्छा आगे खोलिए। हाँ हाँ डाल रहा हूँ। अरे ये क्या किया बिल्ली मास्टर, तूने मुंह में डाल दिया। नहीं नहीं चाचा जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मैं आपकी आंखों में ड्रॉप डाल रहा था, वो आपको छीका इसलिए आपकी मुंडी से पीछे चली गई, तो गलती से ड्रॉप मुंह में चले गए। इतना कड़वा है ये। अरे स्वाद को छोड़िए चाचा जी, मुझे डर है कि ये आई ड्रॉप आपके मुंह में चले गए तो कोई रिएक्शन ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा भाई, जा पानी लेकर आ। पानी नहीं 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 पानी नहीं चाचा जी, पानी आई ड्रॉप के साथ अंदर मिक्स हो गया और कुछ भलता हो गया तो। नहीं नहीं मैं हाथी भाई को फोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या करना है। बीडी मास्टर। हेलो बीडी मास्टर, बोलो कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ हाथी भाई। क्यों क्या हुआ। मैं चंपक चाचा जी के घर पे हूँ, आपने जो आई ड्रॉप दिए थे ना उनकी आंखों में डालने के लिए, हाँ वो गलती से दो बूंद उनके मुंह में चले गए। मुंह में? अरे बीडी मास्टर दवाई मुंह में कैसे चली गई। अरे वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे डर है कि चाचा जी को कुछ हो ना जाए, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए ना। मैं आ जाता बीडी मास्टर, पर अभी मैं एक पेशेंट के यहाँ विजिट पे आया हूँ। अरे दवा अभी। बीडी मास्टर तुम टेंशन मत लो, मैंने चाचा जी को जो ड्रॉप्स दिए थे ना वो आयुर्वेदिक है, अगर दो तीन ड्रॉप मुंह में भी चले गए ना कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम एक काम करो, चाचा जी को दो चार ग्लास पानी पिला दो। दो चार ग्लास पानी? हाँ। बापे, चाचा जी इतना पानी पियेंगे तो बार बार उन्हें बाथरूम जाना पड़ेगा, और अगर भगवान ना करे बाथरूम में कहीं वो गिर गिर गए तो। हेलो बीडी मास्टर कहाँ गए। हाँ यही हूँ यही हूँ। हाथी भाई उनको चार ग्लास के बदले आधा या एक ग्लास पानी पिलाऊं तो चलेगा ना। हाँ हाँ चलेगा, और कुछ भी काम पड़े तो मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ नक्की नक्की। हाँ थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी हाथी भाई ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई मुझे कहाँ चिंता हो रही थी, चिंता तुझे हो रही थी। हाँ और उन्होंने कहा कि वो आई ड्रॉप जो है ना वो आयुर्वेदिक है। तो क्या वही पी लूं। नहीं नहीं उनका ये कहना है कि वो आयुर्वेदिक ड्रॉप है ना, तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ा नहीं भाई, दो ग्लास पानी लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं नहीं दो ग्लास नहीं चाचा जी, उन्होंने आधा या तो एक ग्लास पानी पीने को बोला है, ज्यादा नहीं।
अरे हाँ भाई, तो एक गिलास पानी लेकर आ, लेकिन जल्दी लेकर आ। हाँ ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। क्या हुआ? बस एक कहीं कहीं। ये लीजिए चाचा। अरे इतने पड़ पड़े। बिल्ली मास्टर, बैठ। क्या हुआ चाचा जी? सॉरी हाँ, मेरी वजह से तुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नहीं तू भले ही मना करे, लेकिन मुझे दिख रहा है तू परेशान हो रहा है। आपको दिख रहा है? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तू परेशान हो रहा है। नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्ली मास्टर, थैंक यू, तू मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ आया। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं चाचा जी, तो मेरा फर्ज है। अभी मैं आपकी आंखों में आई ड्रॉप डालता हूँ। हाँ चाचा जी, अभी मैं आंखों में ड्रॉप डाल रहा हूँ। हाँ अभी आपको छींक तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं नहीं। पक्का ना? हाँ। जरा ऊपर देखिए। चाचा जी अभी आप शांति से यहाँ पे बैठ जाइए। आइए आराम से। हाँ थैंक यू मास्टर। ये फोन बजा। हाँ सुना मेरे चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं बैठिए, मैं देखता हूँ। आप हिलना नहीं है प्लीज। हाँ जा। हेलो। हाँ मैं तिवारी बोल रहा हूँ, चंपक घर पे है? हाँ हाँ हाँ। एक मिनट एक मिनट चाचा जी, किसी तिवारी का फोन है। हाँ ला दे। अरे एक मिनट, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ तिवारी बोल। अरे चंपक क्या हाल है, चश्मा बन गया तुम्हारा? अरे कहाँ भाई, नहीं बने अभी तक। अच्छा ये जेठा सुबह हम सबके पैर छू के नमस्ते कर रहा था, लेकिन अभी मैंने फोन किया और मैंने बोला कि मैं तिवारी बोल रहा हूँ, तो उसने मुझे पहचाना नहीं और नमस्ते वमस्ते भी नहीं किया। अरे नहीं नहीं, वो जेठा नहीं, वो उसका दोस्त है, हमारी सोसाइटी में रहता है, भिड़े मास्टर। भिड़े चाचा जी? हाँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी बस। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो उसका दोस्त है, जेठिया तो बाहर गया। वाह क्या बेटा है, बाप का चश्मा टूट गया है, बाप को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसी हालत में बेटा बाप को छोड़कर चला गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जेठिया को दुकान में बहुत जरूरी काम था, तो वो तो जाने के लिए मना कर रहा था, मैंने उसे बोला जा भाई, इतना जरूरी काम है तो दुकान जा, और इसीलिए तो उसके दोस्त को यहाँ छोड़ के गया। तेरी ये बात सुन के मुझे मेरा बाप मेरा दुश्मन टीवी सीरियल का एक एपिसोड याद आ गया, जिसमें बेटा बहाने से अपने दोस्त को बाप के पास छोड़कर चला जाता है, फिर वो दोस्त उसके बाप का मर्डर कर देता है। सीरियल की कहानी मुझे नहीं सुननी है, सीधा सीधा बात करना भाई, तूने फोन क्यों किया है? अरे मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन किया है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, बताना किस लिए फोन किया है? तुझे याद है आज सुबह नाथा पार्क में दुखी था? हाँ। उसके दुखी होने की वजह मिल गई है। जा, क्या वजह? ये है कि वो अपना बीपी नाप नहीं पा रहा है। मतलब? मतलब ये है कि उसके पास बीपी नापने की मशीन नहीं है, और तूने उसे वादा किया था 70वें जन्मदिन पर तू उसे बीपी नापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन देगा, याद है अपना वादा? अरे भाई ये नाथिया क्या कर, अरे क्या कर रहा है, आराम से पी। अरे भाई मैं जल्दी में पी रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? आजकल बीपी ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए रोज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है। अरे नाथिया, अरे तू एक बीपी चेक करने की मशीन क्यों नहीं खरीद लेता है? फिर तुझे डॉक्टर के पास जाने की झंझट ही नहीं, घर पे बैठ के इन्हें मस्त बीपी चेक कर सकता है। बीपी की मशीन बहुत महंगी है चंपक, और हर चीज के लिए बेटे के पास पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तेरी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। ए नाचिया, तेरा 70वां जन्मदिन आ रहा है ना, तो एक काम करता हूँ, तेरे 70वें जन्मदिन पे मैं तुझे बीपी चेक करने की मशीन गिफ्ट करूंगा, है? फिर तू इन्हें आराम से घर पे ही बैठ के बीपी चेक कर सकता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। ये तो भाई मुझसे बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई या इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन का रेट तुझे पता चल गया?
अरे जा जा ऐसे कोई बात नहीं। अरे चंपकलाल का वादा वादा होता है, अगर मेरा चश्मा टूटा नहीं होता ना तो अभी के अभी जाकर बीपी मशीन खरीद कर उसको लेकर आता। बात तो तेरी सही है, लेकिन तोहफा जन्मदिन पर ही दिया जाता है, बाद में तोहफे की कोई कीमत नहीं रहती। हाँ भाई पता है पता है। अभी थोड़ी देर में जेठे मेरा चश्मा लेकर आएगा, फिर मैं खुद जाऊंगा उसके लिए बीपी मशीन खरीदने और उसको लेकर आऊंगा। तू देख ले भाई क्या करना है, बीपी मशीन ना मिलने पर उसका बीपी ना बढ़ जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू नाथिया को फोन करके बोल ले चंपकलाल झंतीलाल गड़ा आज शाम होने से पहले उसको जन्मदिन के तोहफे में बीपी चेक करने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन देकर रहेगा। ठीक है भाई मैं फोन रखता हूँ। मित्रों तो कहानी ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया, अभी चश्मे की मुसीबत समाप्त नहीं हुई थी कि ये तोहफे की मुसीबत आ खड़ी हुई। मित्रों प्रतिष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण होती है जीवन सभी के लिए, और कुछ लोग तो प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते हैं। चाचा जी उन्हीं में से, प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इस प्रतिष्ठा के लिए वो नाथा के लिए तोहफा लेने जरूर जाएंगे, लेकिन इस चक्कर में ये जो तीसरी आंख बना ना भिड़े जेठालाल की जगह उसे पसीने आएंगे, क्योंकि वादा किया है भिड़े ने जेठालाल को वो चाचा जी का ख्याल रखेगा ध्यान रखेगा। तो देखने वाली बात ये होगी क्या वो सही सलामत चाचा जी को तोहफा दिलवा के वापस ले आएगा, या फिर कोई नई मुसीबत इंतजार कर रही होगी दरवाजे पे। ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस भागदौड़ में, इस आपाधापी में जो कुछ होने वाला है उसका परिणाम एक ही है, वो है हंसी। हम आपको तोहफे में दे रहे हैं हंसी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए, और अगले हफ्ते के एपिसोड में इंतजार कीजिए क्या होने वाला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सब झूठे की वजह से हुआ है, ना वो मेरा चश्मा तोड़ता और ना ही मुझे बातें सुननी पड़ती। चाचा जी अभी आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में जेठा चश्मा लेके आ जाएगा, तो उसके बाद चले जाना उसके साथ। वाह 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 बागा, गोडाउन में नाश्ता करने का मजा आ गया। यस नटू काका, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा नटू काका मैं निकल रहा हूँ। कहाँ चले सेठ जी? वो बापू जी का चश्मे तैयार हो गए होंगे तो वो लेने जा रहा हूँ। ओके ओके सेठ जी, फतह करो। है? मतलब डोंट वरी, जीत आपकी ही होगी। अरे मैं कोई लड़ाई करना थोड़ी जा रहा हूँ, जीत क्या आपकी होगी। नो नो सेठ जी, इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपका विजय हो। अच्छा मैं चश्मे लेके फिर वहीं से घर चला जाऊंगा, तो आप लोग भी समय से दुकान बढ़ा के निकल जाना। या सेठ जी, दैट गोज विदाउट सेइंग, डोंट वरी बी हैप्पी। आइए नट्टू काका। जी अभी वो आदमी अपने बाबूजी का चश्मा लेने आएगा तो क्या कहेंगे? अरे जो सब तो कहते हैं, कोई ना कोई मीठी गोली दे देंगे, बेचारा वापस चला जाएगा। अरे ये तो टाइम पर आ गया। तू जा जा जाकर जल्दी छुप जा, जा मैं देखता हूँ। आइए आइए, आप तो बिल्कुल समय पे आ गए। भाई आना ही पड़ता है, क्या करें? क्या बापूजी ने मुझे बचपन से सीख ही ऐसे दी है कि बेटा जो इंसान समय की कदर नहीं करता है ना, तो फिर समय उसकी कदर नहीं करता है। काफी अच्छे विचार है आपके बापूजी के। अरे सिर्फ विचार ही नहीं, मेरे पूरे के पूरे बापूजी अच्छे है। तो ये दीजिए बापूजी के चश्मे। सॉरी आपके बापूजी का चश्मा बन नहीं पाया। चार घंटे में ही बन जाता, मैंने अपने सारे के सारे कारीगर आपके बाबूजी के चश्मे बनाने में लगा दिए। मैंने कहा भले मेरा नुकसान हो जाए लेकिन इनके बाबूजी का चश्मा टाइम पर बनना ही चाहिए, लेकिन फिर भी चश्मा नहीं बन पाया। अरे सारे कारीगर की बातें कहाँ से आई भाई साहब, आपने तो कहा था ना ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर बनाता है चश्मा, फिर ये सारे कारीगर कहाँ से है बीच में? हाँ पर वो कंप्यूटराइज मशीन बिगड़ गया है, मैंने कंपनी में कंप्लेन भी की है। तो अभी कभी कंपनी का आदमी आएगा, कभी आपका मशीन रिपेयर करेगा, कभी बाबूजी के चश्मे बनेंगे। हाँ इसीलिए तो मैंने अपने कारीगरों को आपके बाबूजी के चश्मे बनाने में लगा दिए। तो प्रॉब्लम क्या है, कारीगर चश्मे नहीं बना पा रहे हैं? देखिए आपके बाबूजी के चश्मे का नंबर बहुत रेयर है इसलिए वक्त लग रहा है। अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बापूजी के चश्मे का नंबर नंबर नहीं कोई ब्लड ग्रुप है। ऐसी बात नहीं है, जो काम मशीन करता है वो काम इंसान करेगा तो टाइम तो लगेगा ना, और सवाल आपके बाबूजी की आंखों का है, जल्दबाजी नहीं कर सकते, ठीक से नहीं बने तो दिक्कत हो जाएगी। अरे दिक्कत तो हो गई है भाई साहब, मैं बापूजी को कह चुका हूँ कि आपका चश्मा 4 घंटे में बन जाएगा, अभी मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊं?
क्या जाके बोलो? हो गया मैं चश्मा रेडी। आप एक मिनट रुकिए, मैं कस्टमर से बात करके फिर आपसे बात करता। नहीं अब बात बात करने नहीं आया आपसे, मुझे मेरा चश्मा चाहिए अभी के अभी। आपके चश्मे में थोड़ा सा काम रह गया, कल पक्का दे दूंगा। फिर कल? अरे तीन दिन से आप मुझे कह रहे हैं कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, कब मिलेगा मेरा चश्मा? अच्छा मतलब आप सिर्फ मुझे नहीं सबको बेवकूफ बनाते हो? अरे नहीं 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 भाई साहब, इन्होंने मुझे बोला कि आपका चश्मा 4 घंटे में रेडी हो जाएगा, 4 घंटे बाद में लेने आया तो अभी बोल रहा है कि कल मिलेगा। इनका कल कभी भी नहीं आएगा भाई साहब, मैं इनको पैसे देके फंस चुका हूँ। अरे देखिए भाई साहब। अरे कुछ देखना नहीं है भाई, अभी तो इनकी बातें सुन के मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि मेरे बापूजी के चश्मे कल भी मिलने वाले नहीं है। आप एक काम करो भाई, मेरे पैसे वापस दे दो। चलो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप चश्मा बिना बनवाए चले जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अरे आपको तो सिर्फ बुरा लगेगा, उधर बापूजी मेरी वाट लगा देंगे, वाट। नहीं नहीं भाई, मेरा ऑर्डर कैंसिल करो, 4,000 वापस दे दो मुझे। चलो सॉरी, ऑर्डर कैंसिल होने पर हम एडवांस का पैसा वापस नहीं देते, एक चश्मे का 500 रुपया कैंसिलेशन का चार्ज कट करके देते। अरे किस्मत का कैंसिलेशन भाई, एक तो आप बताए वो टाइम पे चश्मे की डिलीवरी दे नहीं रहे हो, गलती आपकी है, और कैंसिलेशन का चार्ज हमसे वसूल कर रहे हो, ये तो गलत है ना। देखो भाई, अगर आपने मुझे पूरे पैसा नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ बुलाइए पुलिस को, मैं तो चश्मा बनाकर देने में कहाँ इनकार कर रहा हूँ। और रही बात पैसे की, तो आपको जो पर्ची दी है उसके पीछे हमारी पॉलिसी लिखी हुई है, दिया हुआ ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, और एक बार ऑर्डर दिया जाता है तो उसके बाद में कैंसिल होने पर 500 रुपए चार्जेस लगते हैं। सही कह रहे थे चिमन लाल जी कि आप एक नंबर के फोड़ हो, फोड़। देखिए भाई, धंधे में लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कल आपको बढ़िया सा चश्मा बना के मिल जाएगा। नहीं भाई, अभी मुझे यहाँ से चश्मा बनवाना ही नहीं है भाई। आप एक काम करो, मेरे बापूजी का नंबर की पर्ची वापस दे दो, और आपको कैंसिलेशन काट के बाकी की रकम वापस दे दो। चलो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये लीजिए 3,000 रुपए। चश्मा मैन मुर्दाबाद। आइए। बन गया 4 घंटे में चश्मा? नहीं, फिर मैं उधर गया ही नहीं। क्या मैंने पता किया, मार्केट में आपका बहुत अच्छा नाम है, तो फिर मैंने सोचा नहीं, आपको एक मौका देना तो बनता है। मौका? चश्मा महल में धोखा खाने वाला हमें मौका जरूर देता है। पैसे काट ली ना उसने? आपको कैसे पता चला? अनुभव। आप पहले नहीं है, आप जैसे सैकड़ों लोग वहां धोखा खाकर हमारी दुकान पर आ चुके हैं। सॉरी भाई साहब, अभी जो हो गया उसे भूल जाइए, और मेरे बापूजी का चश्मा बना दीजिए ना प्लीज। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं, आज तक किसी भी कस्टमर ने मेरी दुकान में आकर मेरी बेइज्जती कभी नहीं की। सॉरी भाई साहब, मैं मान रहा हूं मेरी गलती हो गई मुझसे, सॉरी। देखिए वो कहते हैं ना, मानस मात्र भूलने पात्र है, पर हम व्यापारी लोगों के लिए तो कस्टमर भगवान होता है। चलो आप मुझे भगवान ना समझो, एक भक्त समझ के मेरी प्रार्थना सुन लीजिए प्लीज, मेरे बापू जी का चश्मा बना दीजिए प्लीज। ऐसा क्या कर रहे भाई साहब, हम आपके रेगुलर कस्टमर है। एक दिन में 2 बार आ जाने से कोई रेगुलर कस्टमर नहीं बनता। नहीं नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बापूजी चंपकलाल गड़ा जी जो है वो हमेशा अपना चश्मा यहीं से बनवाते हैं। तुम चंपकलाल जी के बेटे हो? हाँ। अरे वही जो गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। उनके आशीर्वाद से ही तो ये दुकान खुली है। तो पची, आपको पहले बताना चाहिए था ना। हाँ सॉरी, अभी वो गलती हो गई। चलो अभी तो आपको पता चल गया ना कि बापू जी का चश्मा है, तो जरा बना दो ना प्लीज। ठीक है मैं दोनों चश्मे बनवाकर कल आपके घर पहुँचा दूँ। नहीं 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 भाई, देखिए कल नहीं, आज। वो क्या है, बापू जी बिना चश्मे के वाकई में बहुत तकलीफ में, प्लीज आज बना दीजिए आज। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप किसी भी दुकान में जाएंगे ना तो आपको कल से पहले चश्मा नहीं मिल सकता। बापू जी को अभी
कल तक बिना चश्मे के रहना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, अगर सुबह आप चश्मे बनाने को दे देते ना तो रात तक एक चश्मा मैं आपको बनाकर दे देता। अरे मत मारी गई मेरी कि मैं चश्मा महल में चला गया। चलो ठीक है, लेकिन कल पक्का मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों चश्मे सुबह बन जाएंगे और आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद आकर आपके दोनों चश्मे आपको दे दूंगा। थैंक यू, लेकिन देखना कल सुबह किसी भी हालत में पहुंचा देना प्लीज, बापू जी बेचारे बहुत तकलीफ में है। हाँ पक्का बन जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये बापू जी के नंबर की पर्ची और ये 4000। ठीक है, बिल मैं आपको चश्मे के साथ दे दूंगा। हाँ नहीं नहीं कोई टेंशन, चलो थैंक यू। हाँ चिमनलाल अपने से जिंदाबाद। हे भगवान अभी क्या करूं, बापूजी को तो मैंने बोल दिया था 4 घंटे में चश्मा मिल जाएगा, लेकिन अभी चश्मा तो कल मिलने वाला है, अभी क्या मुंह लेके घर जाऊं। एक काम करूं तो आज घर जाऊं ही नहीं, तो आज की रात कुछ भी बहाना बना के वो सूरत महेश भाई वकील के घर चला जाऊं तो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसी हालत में बापूजी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, जो भी है परिस्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा, बापूजी को सब सच सच बताना ही पड़ेगा। बापूजी का फोन, हे भगवान रक्षा करना। हाँ बापूजी। हाँ मुझे बता तू अभी कहाँ है? मैं वो चश्मे की दुकान के बाहर। अच्छा बन गया चश्मा? बन गया? नहीं चश्मा तो नहीं बना बापूजी, मैं बन गया। अरे क्या बैठी बैठी बातें कर रहा है चेटिया, सीधा सीधा बता ना चश्मा बना कि नहीं? नहीं नहीं बना बापूजी। नहीं बना तो और कितना टाइम लगेगा? वो अभी कह रहा है कल कल मिलेगा। क्या कल? अरे अरे ये कहीं ना कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है चेटिया तू? चश्मा कल मिलेगा? हाँ बापूजी कल मिलेगा। तूने तो बोला था 4 घंटे में चश्मा बन जाएगा। हाँ तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि 4 घंटे में बन जाएगा, अभी मैं लेने गया तो बोल रहा कि नहीं अभी कल मिलेगा। ये चिमनलाल पहले तो ऐसा नहीं करता था, जो टाइम बोलता था उस टाइम पे चश्मा बना के दे देता था। तू मेरी बात करो चिमनलाल से। छोड़िए ना बापूजी, अभी छोटी सी बात के लिए कहा अभी। छोटी बात? छोटी बात? अरे कल रात से बिना चश्मे के मेरी हालत खराब हो रही है, तू मेरी बात करो चिमनलाल से। अरे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? पहले 4 घंटे का, अभी कल का बोल रहे, तू मेरी बात करो चिमनलाल से। बापूजी दरअसल गलती चिमनलाल की नहीं मेरी है। हाँ मैं आपका चश्मा बनवाने दूसरी दुकान में चला गया था। मैंने तुझे बोला था ना कि चिमनलाल ऑप्टिक्स में जाना और वहीं पर चश्मा बनवाना, तो दूसरी दुकान में गया क्यों? ना बापूजी मैं वहीं जा रहा था, चिमनलाल की दुकान में ही जा रहा था, लेकिन मैं दुकान तक पहुंचू उसके पहले रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, उसने बोला कि अगर आप चश्मा महल में चश्मा बनवाते हैं तो 4 घंटे में आपको चश्मा बना के दे देगा और 500 रुपया कम में भी बना के दे देगा। 500 रुपया जेठिया? हाथ पे पट्टी बांध के मैं अंधकार में जिंदगी जी रहा हूँ जेठिया, तू 500 रुपया बचा लेके चक्कर में पड़ा है? नहीं नहीं बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? देखिए वो 500 रुपए वाली बात सुनने के बाद भी मैं गया तो चिमनलाल की दुकान में, तो वहाँ जाके मैंने बोला चश्मा आप 4 घंटे में बना के दे देंगे ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चश्मा आपको रात तक मिलेगा। तो मैंने बोला भाई रात तक तो बहुत देर हो जाएगी, बापूजी बहुत तकलीफ में है, अच्छा चलो कम से कम शाम तक तो बना के दे दो। तो बहुत बदतमीजी से बात करने लगे, बोले नहीं नहीं भाई हम नहीं ऐसे होता है, मैं बोला ना भाई रात तक मिलेगा, बनवाना है तो बनवा। मैंने बोला भाई वो चश्मा महल वाला तो 4 घंटे में बना के दे रहा है, तो कहने लगा कि तो जा उधर ही बनवा। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई अभी दे रहा है चश्मा महल वाला 4 घंटे में, तो फिर अच्छा है ना 4 घंटे में आपका चश्मा मिल जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ बनाने को दिया बापूजी। अभी लेने गया तो बोल रहा कि नहीं रेडी नहीं है कल मिलेगा, तो मैंने वहाँ से रिफंड ले लिया और अभी चिमनलाल की दुकान में ही चश्मा बनाने को दिया है,
और चिमनलाल बोल रहे हैं कि कल पक्का चश्मा बना के दे देंगे बापूजी। जेठी अरे बोल। हाँ। अरे मेरा मन ही जानता है कि बिना चश्मे के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे भी हा? मुझे भी पता चल रहा है ना आपको कितनी तकलीफ हो रही है। सुना सुना अरे आज का दिन तो जैसे तैसे करके निकाल लिया, अब बात कल पे आ गई। अरे कब दुकान खुलेगी, कब चश्मा मिलेगा, कब मैं पहनूंगा। बापू जी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूँ ना आपकी तीसरी आँख। अरे तेरी तीसरी आँख तेरी जेब में डाल। फोन कर कर। सॉरी सॉरी बापू जी सॉरी। देखिए अभी इतना सहन किया है, थोड़ा और बापू जी कल तक की तो बात है, कल तो पक्का मिल जाएगा चश्मा। और चिमनल वाले आपको जानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। उन्होंने मुझे बोला कि आपको अभी चश्मा लेने आने की जरूरत भी नहीं है, मैं घर पे पहुंचा दूंगा चश्मा। सॉरी सॉरी बापू जी सॉरी। अरे सॉरी 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 मत कर, मुझे नहीं सुनना तेरा सॉरी। रख फोन, रख फोन, रख दो। रख दिया रख दिया चाचा जी, रख दिया रख दिया। मिलनी बस चल। बाथरूम लगी, चलो चलो। अरे बाथरूम नहीं जाना है, भगत सिंह रोड जाना है। भगत सिंह रोड? हाँ, तू मुझे अभी के अभी शकर हम पे भगत सिंह रोड लेके चल। मैं वहाँ से नाचिया के लिए तोहफा लूंगा और नाचिया को देकर आऊंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। चाचा जी हंस के रहे? नहीं चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, बाहर कैसे जाएंगे? अरे तो सखरम मुझे थोड़ी चलाना है, तुझे चलाना है। नहीं सखरम तो मैं ही चलाऊंगा चाचा जी, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना? अरे दिख नहीं रहा है नहीं, ठीक से दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। अरे वही चाचा जी, धुंधला दिख रहा है आपको, इसलिए बिना चश्मे के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे कुछ धुंधला नहीं है, तू चल मेरे साथ। अरे चाचा जी सॉरी 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 चाचा जी सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं 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 लगी, तू चल भाई चल। नहीं नहीं देखिए आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, एक बार जेठालाल को आ जाने दीजिए, फिर हम तीनों साथ में चलते हैं। अरे जेठालाल को छोड़ना भाई, तू मुझे लेके चल। ठीक है मैं लेके चलता हूँ, लेकिन एक बार मुझे जेठालाल से बात करने दीजिए, क्या अगर उसको पता चला कि आपको मैं बिना चश्मे के बाहर लेके गया तो गुस्सा करेगा वो। क्या गुस्सा क्या करेगा, बाप मैं हूँ के वो, तू मुझे लेके चल। चाचा जी फिर भी मुझे लगता है कि जेठालाल को एक बार पूछना चाहिए। उसने मुझे पूछा था, उसने मुझे पूछा था कि बापू जी आपका चश्मा चिमनलाल की जगह किसी और दुकान में बनवा लूं, पूछा था। नहीं ना तो मैं अभी उसे क्यों पूछूं, बाप मैं हूं कि वो। नाथिया का जन्मदिन आज है और मैं आज ही उसे तोहफा देकर आऊंगा। लेकिन चाचा जी मैं अकेला ही जाता, रास्ते में किसी से मदद मांग लूंगा। अरे चाचा जी वो बेडरूम में कहाँ जा रहे हैं आप? अरे चाचा जी अरे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर बोल के आप बेडरूम में चले आ रहे हैं, आप बाहर कैसे चलेंगे? अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तू मुझे लेके चल, अभी लेके चल रहा है कि मैं अकेला जाऊँ? नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। आसमा की लेवल लगना रे। अरे चल भाई, क्या सोच रहे? नहीं कुछ नहीं। उसकी क्या जरूरत, मेरे पास पैसे है, मैं अभी आपको दे देता हूँ, बाद में आप मुझे दे देना। हाँ ठीक है चल। और खाने में से चाबी निकाल ले। खाने में चाबी डाली? अरे यहाँ पे वो बीच वाला खाना है ना, उसमें घर की चाबी। बीच वाला खाना मिल गए मिल गए, आई आई है। हाँ, या सावकाश। हाँ इतने उंबरटा है। उंदर? अरे उंदर नहीं उंबरटा, मतलब ये उंबरा है ऐसा बोल रहा हूँ। उंबरा उंबरा आई आई है चाचा जी। ए एक मिनट में दरवाजा बंद। हाँ बंद कर दे। मैं हाँ बस हो गए। हाँ आई दीजिए, हाथ दीजिए। क्यों? सीढ़ियाँ शुरू हो रही है ना इसलिए। अरे भाई मेरे घर की सीढ़ियाँ है, मुझे पता है यहाँ सीढ़ियाँ है, मेरा रोज का आना जाना है। फिर भी ऐसे ही हो जाता जाता हूँ, आज सुबह भी तो जेठ के साथ गार्डन तो गए। इसलिए बोल रहा था हाथ देने के लिए। अरे भाई होता है ऐसा, मैं कभी कभी चश्मा पहनता हूँ तो भी ऐसा होता है भाई, पैर फिसलता है। तू चलना। मैं क्या बोलता हूँ, रहने देते नहीं जाते चाचा जी। अरे कुछ नहीं हुआ है, चलने भाई तू रहने देते। ऐकायचंच नाही सगळं स्वतःच खरं करायचं। कुछ नाही अभि आराम से इधर भी। हाँ, आइए आइए
आइए। हम लोग सखाराम तक पहुंच गए। अरे अरे क्या करे चाचा जी, क्या हुआ? सखाराम को मार क्यों रहे? स्क्रैच आ जाएगा ना। अरे भाई मार थोड़ी रहा हूँ तेरे सखाराम को, मैं अंदाजा ले रहा हूँ, पता तो चले कहाँ बैठना है। हाँ हाँ बैठिए। ये सीट पे धूल भूल नहीं है ना? चाचा जी भले ही मैं एक बार नहाता हूँ, सखाराम को दो बार नहलाता हूँ मैं, बिल्कुल धूल नहीं है, आप बैठ जाइए। अरे बड़त मारता है तुम्हें। अरे बोला ना तुझे मैं कहाँ बैठू, मुझे कैसे पता चलेगा? रुकिए मैं आपको मदद कर दीजिए, छड़ी दीजिए। आइए अभी आपका पैर दीजिए, पैर दीजिए। हाँ दीजिए, मैं मदद कर रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से, ये रख दिया पैर। हाँ आराम से, अभी दूसरा पैर दीजिए, दूसरा पैर दीजिए, उठाइए आराम से आराम से। इतना तो मुझे दिखता है ना, मैं बैठ जाता। क्या हुआ? अरे आपकी छड़ी है और कुछ नहीं, मेरे बाजू में रख दी, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे अरे बैठ जाइए, मतलब इधर ही बैठ गए आप? अरे इधर नहीं बैठना है, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अभी बाएं घूमिए, बाएं घूमिए, और घूमिए, घूमिए घूमिए, अभी शांति से बैठ जाइए। नहीं बाजू में छड़ी, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। बराबर है, बराबर है। चला दे, ये इधर ही है साइड में, ये देखिए ये। हाँ ठीक है। मित्रों किसी मेमने का हाल शेर की मान में कैसा होता है? वो भयाक्रांत होता है, वो वही करता है जो शेर चाहता है। इस वक्त भीड़ भी वही कर रहा है जैसा चाचा जी चाह रहे हैं, और चाचा जी कुछ गलत नहीं चाह रहे हैं भाई। उन्हें एक बीपी इंस्ट्रूमेंट लाना है अपने मित्र को उसके जन्मदिन पे भेंट करने के लिए, और इस वजह से भीड़ का बीपी बढ़ा हुआ है। इस वक्त वो इतना सा चाहता है कि जल्दी से जल्दी जाए चाचा जी के साथ और वो बीपी इंस्ट्रूमेंट बीपी मशीन लेकर आए। लेकिन आप जानते हैं ये दोनों जब जब बाहर गए हैं साथ में कोई ना कोई हंगामा जरूर हुआ। आज तो स्थिति बड़ी विचित्र है, चाचा जी को धुला नजर आ रहा है, टेंशन में भीड़ का दिमाग काम नहीं कर रहा, यानी कि कुछ हंगामा जरूर होने वाला है। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये जो कहानी है इसका ये जो मोड़ है वो जेठालाल की जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में कितने हंगामे लेके आता है ये भूल जाइए। बस इतना याद रखिए हर हंगामे के साथ ठहाके बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.